तो दोस्तों एक चीज़ एलविस यादव के बारे में समय क्लियरली बाहर बातें सामने आ रही हैं और मुनव्वर फारूकी को लेकर आखिर सोनू शर्मा का क्या स्टेटमेंट आया है, और यही नहीं बल्कि क्या कुछ बातें अब सुनने में मिल रही हैं कि भाई ये चीज़ थी और ये असली बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। ऑल दो अगर आपको मैं बताऊँ ये चीज़, तो भाई मुनव्वर फारूकी को जो है डेथ थ्रेट्स मिले थे। वो मुनव्वर फारूकी थे जिनको डेथ थ्रेट्स मिले थे और जिनको एयरपोर्ट तक ले जाया गया और मुंबई वापस भेजा गया। एलविस यादव नहीं थे, एलविस यादव को कोई डेथ थ्रेट नहीं मिला, इसीलिए एलविस यादव अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और मुनव्वर जो है मुंबई आ गए हैं ECL बीच में ही छोड़ कर। ऑल दो आपके सामने मैं ये भी बात रखना चाहूँगा कि सोनू शर्मा खुद उन्होंने बताया कि मुनव्वर होते तो और भी मज़ा आता, लेकिन ये बहुत गलत बात है ऐसे किसी प्लेयर को थ्रेट देना और किसी प्लेयर के प्लेयर को इस तरीके की धमकियाँ देना। यानी कि सोनू शर्मा ने भी खुद इस चीज़ को क्लियर किया कि धमकियाँ जो हैं वो मुनव्वर फारूकी को मिली थी, ना कि एलविस यादव को। जबकि सोशल मीडिया पर ये पोर्ट्रे होना शुरू हो गया था कि भाई धमकी जो है वो एलविस यादव को मिली है, एलविस यादव को डेथ थ्रेट्स आए हैं, एलविस यादव को जान से मारने की बातें लोग कर रहे हैं, जबकि असलियत में वो धमकियाँ, वो थ्रेट्स, वो बातें मुनव्वर फारूकी को लेकर हो रही थी सोशल मीडिया पर, जो कि अब धीरे धीरे जाकर क्लियर हो रही हैं सबके सामने। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।